हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। आज हम लोग पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन से देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली यूपीपीएससी, एई, एसएससी, जेई, वाईजैक, एनएलसी और पीजीसीएल और जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारे का जो पैटर्न लेवल और रहता है वो सेम रहता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो होता है कि क्या पर चैप्टर देखेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे उसके प्रीवियस ईयर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इस बार जो है भाई चांस छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है क्या हो सकता है, इकोनॉमिक्स इतनी लो हो रही है, तो अभी जितनी वैकेंसी निकली वो तो कैंसिल नहीं होगी, तो इसलिए इसमें ही ले लो तुम लोग तो बेटर है, ठीक है। चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन बोला यह है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कौन सा जो है वो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 33 के वी, 66 के वी, 99 के वी, 220 के वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और स्टैंडर्ड में कौन कौन सी आती है, 11 के वी, 33 के वी, 66 के वी, 132 के वी, 220 के वी, 400 के वी एंड एक और 765 के वी। ये इंडिया में अभी तक का सबसे मैक्सिमम है 765, ठीक है। एसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एचवीडीसी की बात नहीं, हाई वोल्टेज डीसी की अलग हो जा रही है, ये जो मेरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है जो कि हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वो मेनली 765 तक इंडिया मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन उसमें क्या है कि बहुत लॉसेस आने लगता है, कोरोना ये सब ज़्यादा उसमें डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ बोला ये क्या, ए लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.95 लैगिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस और प्लस हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ए लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.95 लैगिंग इम्प्लाइज रिएक्टिव पावर डिमांड ऑफ, इसमें बोल रहा है कि एक लोड फैक्टर है 0.95 का लैगिंग, तो वो कितना मेरा रिएक्टिव पावर डिमांड करेगी, ठीक है। रिएक्टिव पावर डिमांड ऑप्शन में देख रहे पर के वी, मतलब कितना मेरे को रिएक्टिव पावर चाहिए पर के वी, ठीक है, मतलब किलोवाट पर किलोवाट। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पावर ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा फाई है, ये मेरी कौन सी रहती है एक्टिव पावर रहती है पी, क्यू रिएक्टिव पावर, और इसका जो वेक्टर सम होता है वो मेरा एस जो होता है मेरा अपेरेंट पावर, जो कि मेरा अपीयर होता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या किसी भी सर्किट में, मतलब एसी वाले में, ठीक है। रिएक्टिव प्लस एक्टिव रहती है, तो उसके वेक्टर सम क्या रहती है अपेरेंट रहती है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे टैन फाई का वैल्यू निकालेंगे, टैन फाई क्या आ जाएगा अपना परपेंडिकुलर वाई बेस क्यू वाई पी, ठीक है, ये अपना आ गया। और यहाँ पे क्या कॉस फाई का वैल्यू अपन लोग को दे दिया गया, क्या 0.95 दे दिया गया। तो यहाँ से फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई का वैल्यू क्या आ गया कॉस इनवर्स 0.95। ओके, एक नया पेज लिखते हैं, ठीक है। बोला गया कि यहाँ पर टैन इनवर्स, सॉरी टैन फाई इज इक्वल टू क्यू वाई पी, यहाँ तक तो आ गया था समझ में। अब हमने टैन फाई क्यों निकाला, अगर सबसे पहले बात दिमाग में ये आई है कि टैन फाई क्यों, क्योंकि वहाँ बोला गया रिएक्टिव पावर पर किलो वाट, ऑप्शन में देखते ही पता चल रहा। तो रिएक्टिव पावर पर किलोवाट क्या, ये मेरा टेन फाइव वही तो है, ये क्या है मेरा क्यू, क्या रिएक्टिव पावर के वी ए आर यही है, पी मेरा क्या है किलोवाट, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे को टेन फाइव निकालना होगा। और फाइव का वैल्यू अपन लोग को दिया गया, क्या दिया है कॉस इनवर्स 0.95, ठीक है, ये दिया है। अब किसी को समझ में नहीं आया कि ये कहाँ दिया है, तो यहाँ कॉस फाइव इज इक्वल टू 0.95, तो अपन फाइव फाइव इक्वल टू क्या कॉस इनवर्स, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिएगा टेन इंटू कॉस इनवर्स 0.95, तो यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा 0.33 के वी ए आर बाई किलो वाट, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए फिर अभी नेक्स्ट की तरफ हम लोग देखते हैं, बोल रहा है क्या
मोहर रिले इज नॉर्मली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, किसके लिए प्रोटेक्शन किया जाती है, कौन सी, तो इसका राइट आंसर होगा वो मेरा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। मोहो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिटेंस रिले भी बोलते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखना, मोहो पूछ दिया जाए या एडमिटेंस बोल दिया जाए, वो दोनों जो है मेरी लॉन्ग के लिए होती है, मतलब मोहो और एडमिटेंस जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए होती है। और एक आती है इम्पीडेंस रिले, इम्पीडेंस होती है वो मेरे मीडियम्स लाइन के लिए। और एक होता है रिएक्टेंस रिले, ये शॉर्ट लाइन के लिए होता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। बोला गया ए लाइटिंग एरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियर टू, ठीक है। तो लाइटिंग एरेस्टर मेनली होता है क्या कि फॉल्ट को मिनिमाइज करने के लिए, जो कि मेरा बिजली वगैरह चमकने से या उस पर गिरने से होता है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा ट्रांसफार्मर, ठीक है। मेनली अगर हम लाइटिंग एरेस्टर की बात किया जाए तो वो मेरा हमेशा टर्मिनल इक्विपमेंट के लिए होता है, जो टर्मिनल पे लगे होते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो किसी भी सब स्टेशन की बात करा जाए तो सब स्टेशन क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन से जो मेरा मेन, जो मेरा पावर जहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ से आया हाई वोल्टेज में, ठीक है, उसे सब स्टेशन के द्वारा 440 किया गया, उसके बाद फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इंट्री टाइम भी मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर है, उसके बाद प्रोसेस के बाद ही मेरा क्या, ट्रांसफार्मर है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, टर्मिनल इक्विपमेंट क्या है, ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर मेरा बी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। बोला यह क्या, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड्स इज जनरली, तो इंडस्ट्रियल लोड क्या जनरली वो लैगिंग होते हैं, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो मेनली उसमें क्या करते हैं, इक्विपमेंट में वो इंडक्शन मोटर होते हैं। इंडक्शन मोटर का क्या है, वो इंडक्टिव है, इंडक्टिव क्या करता है, वो लैगिंग पावर फैक्टर होते हैं, लैगिंग लोड होते हैं, ओके। तो यहाँ पर राइट आंसर इज बी, लैगिंग, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। बोला यह क्या, द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, पहले सबसे पहले पता है क्या कि डिमांड फैक्टर क्या होता है, तो डिमांड फैक्टर DM की बात किया जाए तो इसका होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड, ओके। एक नई पेज में इसे हम बता दे रहे हैं, डिमांड फैक्टर जो होता है मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। तो इतना पता कि कनेक्टेड लोड, देखो एग्जांपल अगर देखा जाए, घर पे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, फैन है, लाइट है, ये सारी क्या है, मेरी लाइट है, ये सारी मेरी कनेक्टेड लोड है कि ये मेरे घर पे कनेक्टेड है, ओके। ये मेरे घर पे है कनेक्टेड, लेकिन हम लोग ऑन क्या करते हैं, सारे एक साथ नहीं करते हैं जनरली, कभी टीवी है तो टीवी रात में बंद हो गया, तो वहाँ पे फैन चल रहा, बल्ब चल रहा, तो एक साथ, तो मैक्सिमम डिमांड जो होता है वो ऑलवेज हमेशा कम रहता है कनेक्टेड लोड से। कनेक्टेड लोड तो मेरा कांस्टेंट है, जो मेरा घर पे इक्विपमेंट आ गया, जो मेरा सर्किट है वो रहेगा, लेकिन मैक्सिमम डिमांड क्या रहेगी कि जो मेरा कनेक्टेड है, जो मेरा पावर ले रहा वो मेरा मैक्सिमम डिमांड कर रहा है, तो इट्स ऑलवेज जो है क्या, मेरा न्यूमरेटर जो होता है ऑलवेज कम होता है डिनोमिनेटर से। तो DM जो होता है, डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन वन, डिमांड फैक्टर ऑलवेज लेस देन वन। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लेस देन वन, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा ये शायद हम लोगों ने देख चुका है, इसका राइट आंसर होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब बोला गया द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, सारे देखिए SSC के सारे आ चुके हैं, और देखिए SSC में होता है कि 40% आपको प्रीवियस ईयर का मिलता ही मिलता है, ये मैं लिख कर देता हूँ, मैंने भी दिया, मैंने भी क्वालिफाई करा है, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि जो भी प्रीवियस ईयर है अच्छे से कर रहे हो, सेम टू सेम आने लगते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, लेकिन 40% जो रहेगा कि आप अगर प्रीवियस ईयर करें तो 40% आएगा, बाकी आपको जो 60 है वो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको भी बेसिक से देखना होता है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो SSC एग्ज़ाम्स होते हैं, SSC JEE के, उसमें जो मैक्सिमम जो क्वालिफाई होते हैं ना वो डिप्लोमा वाले होते हैं, एक चीज़ आप देख लीजिएगा,
उसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं कॉलेज वो डिप्लोमा वाले, क्योंकि उन्हें उस तरह के लिए पढ़ाया जाता है। बीटेक में क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट जानना, ये जानना वो जानना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हूबहू आता है, पढ़ा रहे हैं, रटा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका चांसेस बन जाती है ज़्यादा। ओके, और कुछ कुछ सिलेबस भी डिप्लोमा में है एक्स्ट्रा, जैसे इल्यूमिनस लाइट की आ जाती है, वायरिंग वायरिंग की कभी कभी पूछ दी जाती है, तो वो आ जाती है, लेकिन इसलिए डिप्लोमा की ज़्यादा फैक्टर होती है। अच्छा चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स इन थ्री फेस सिस्टम इज सिंगल लाइन टू ग्राउंड, LG फॉल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। मतलब किसी भी थ्री फेज की एक वायर टूट कर या कट कर या कैसे भी ग्राउंड में गिर जाए, या कोई मतलब वही कि एक LG ठीक है, एक लाइन और वो ग्राउंड से टच कर जाए, तो वो मेरा सिंगल फेज सिंगल लाइन टू ग्राउंड हो गया। राइट आंसर इज ये मेरा बहुत ही कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। बोला गया क्या, इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द स्किन इफेक्ट ईच, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, इतना आपको बीटेक करो या डिप्लोमा ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, बढ़ेगा। अच्छा बेसिकली अगर बात किया जाए स्किन इफेक्ट की तो क्या होता है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा उसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट। स्किन इफेक्ट होता क्या है बेसिकली, कि कोई भी अगर कंडक्टर है ये, ठीक है, तो जब इसमें से करंट आई इंटर करती है फिर उसमें फ्लो कर रही होती है, तो इसमें होता है कि जो मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है वो स्किन के जो सारा ये होती है ना, ये आउटर वाले से ऊपर ऊपर से ये जाने लगती है, मतलब कि बीच से वो कम जाने लगती है। इसका भी रीजन होता है, बहुत है रीजन, इसमें एडी करंट वाले आ जाते हैं और बहुत फैक्टर आ जाते हैं, इंडक्टेंस आ जाते हैं, तो बहुत सब अभी आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो वो मेरा जो करंट है वो मेरा मैक्सिमम जो है वो ऊपर स्किन की तरफ से फ्लो होने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसे हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। इसके बहुत सारे लॉसेस है, कुछ कभी कभी फ़ायदा भी होता है, ठीक है। फ़ायदा की अगर बात किया जाए तो इसको जो है ये कंडक्टर है उसे हम लोग हॉलो बना दिया जाता है, क्योंकि अंदर से तो जाना है नहीं, तो मेरा मटेरियल की बचत होती है। और इसके नुकसान ये है कि रेजिस्टेंस जो है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो मेरे बढ़ जाती है, जिसके कारण लॉसेस बढ़ जाती है। ओके चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इनक्रीजेस, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटर एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज, बहुत इजी क्वेश्चन। सपोज कीजिए कोई भी ऐसे होता ना कि मेरा टू फेज या कोई भी फेज है, मतलब थ्री वायर, मतलब थ्री फेज सिस्टम है, ये हमेशा लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए होती है, याद रखना, क्योंकि शॉर्ट में मीडियम में कैपेसिटेंस को नहीं लिया जाता है, ठीक है, शॉर्ट में तो एकदम नहीं लिया जाता, मीडियम में कभी कभी, फिर लॉन्ग, फिर ज़्यादा लॉन्ग ये आ जाता ना, मतलब मीडियम से आने लग जाता है कैपेसिटेंस, तो शॉर्ट के लिए तो वैलिड नहीं है। और लॉन्ग में एक और आ जाती है कंडक्टेंस जिसे बोलते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग चैप्टर वाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम लोग एक एक करके उसमें देखेंगे। तो बोला जा रहा है क्या, रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, और एक मान लीजिए इसी को हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं, हटाओ, और एक फिर इसमें बोला रेशियो, तो इसके आपको बताना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट में करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर शीथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज, ठीक है, तो जो मेरा अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें जो शीथ होती है, जो प्रोटेक्शन लेयर होती है, जो ऊपर में होती है, जो कवर डाली होती है, जो इंसुलेशन होती है, वो किससे बनी होती है, तो राइट आंसर इज मेरा ए, लीड। तो बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर ये जो लीड है वो तो एक डेंजरस एलिमेंट है, मटेरियल है, तो अगर ये अर्थ के अंदर है समहाउ वो डाइल्यूट होगा किसी तरह, मतलब कोई भी अंदर में जो भी है पानी वानी पाइप, तो इसमें ये होता है कि जो मेरा लीड जो होता है ना वो बेसिकली यूज क्या किया जाता है वहाँ पे, वो यूज किया जाता है एलॉय सीथ, एलॉय लीड सीथ, ठीक है,
जिसमें मैक्सिमम जो मेरा 2% ऑफ लीड कंटेन करता है, 100% नहीं होती है लेकिन वर्क करता वो लीड वाला ही, लेकिन उसमें ओरिजिनली कितना यूज होता है 2% ऑफ लीड, तो ज़्यादा ये हार्मफुल नहीं होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में, द रिकवरी वोल्टेज विल बी मैक्सिमम फॉर पावर फैक्टर। एकदम याद रखने वाली बात है, ए जीरो। ठीक है, रिकवरी वोल्टेज और री स्ट्राइकिंग वोल्टेज ये क्या होता है, हम लोग इसे आगे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ऐसे हम लोग एक लेआउट देते हैं, रिकवरी वोल्टेज ये होता है कि जो सर्किट ब्रेकर अगर हम लोग इंटरप्ट कर भी दिए, बीच में चॉपिंग कर भी दिया करंट को, हम लोग सर्किट को ब्रेक कर भी दिया, तो एक मेरा जो टर्मिनल पे होती है सर्किट ब्रेकर पे, एक मेरा वोल्टेज आता है जो फिर से वापस वो रिकवर करने की रखती है शक्ति कि वो फिर से वो वहाँ से कंडक्शन स्टार्ट करा जाए। ठीक है, ये मेरा एक नॉर्मल टाइम के लिए होता है। री स्ट्राइकिंग क्या होता है, उसका जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस होती है ना वो होती है, इसे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरा ए जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि जीरो का मतलब वहाँ पे वो इंडक्टिव है, इंडक्टिव है इसका मतलब कि वो इंड्यूस्ड है, वो उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है, वो फिर से रिकवर कर सकती है, इसीलिए यहाँ पे यहाँ जीरो है। यूनिटी, यूनिटी में तो कुछ नहीं, वो सारा का सारा पावर डिसिपेट हो जाती है, मतलब रेजिस्टिव केस में। तो यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए मेरा जीरो होना चाहिए। 0.5 के लिए भी होती है, 0.707 के लिए भी होती है, बट मैक्सिमम क्या होती है, जीरो के लिए होती है। नो रजिस्टिव एलिमेंट होनी चाहिए, कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट में देखते हैं। टू मीट द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट एट लोड सेंटर्स यूजली राइट आंसर इज ए शंट कैपेसिटर आर यूज्ड। ठीक है, रिएक्टिव पावर को रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, शंट कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये हम लोग क्यों करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव होती है। ठीक है, इसे अच्छे से आप लोग अगर बोलोगे तो हम लोग देखिए इसमें होता बेसिकली ये, पी क्यू एच कॉस फाई की अगर बात करा जाए, ये जो कि मेरा पावर फैक्टर है। ठीक है, जो पावर फैक्टर है, अगर रिएक्टिव पावर को करना होता है, इंक्रीज करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस फाई का क्या हो जाएगा वैल्यू, सॉरी क्यू वाई एस, क्यू वाई एस हो जाएगा ना, सॉरी ये तो साइन का हो जाएगा, यहाँ पे पी वाई एस होगा। ठीक है, ठीक है, रुकिए इसको हम लोग, अरे टू मीट द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट एट लोड सेंटर यूजली शंट कैपेसिटर को हम लोग यूज करते हैं। इससे मेरा ये होता है कि पावर फैक्टर जो वहाँ पे इम्प्रूव होती है। ठीक है, और रिएक्टिव आप लोग देखा होगा कि जहाँ पे लैगिंग कर रहे हैं पावर, ठीक है, पावर फैक्टर घट रहे हैं, तो उससे हम लोग इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज कर देते हैं। तो वही सेम चीज़ वही है, पैरेलली में हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं। इसे हम लोग देखेंगे और अच्छे से, मतलब जब हम चैप्टर में जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। द सैग ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर। यहाँ पे पहले सैग की वैल्यू दे दी गई है 2.5 मीटर। व्हेन द स्पैन इज 250 मीटर, अब एल की वैल्यू भी दे दी है 250 मीटर, 250। ठीक है, 250। नाउ इफ द हाइट ऑफ ए सपोर्टिंग टावर इज इंक्रीज बाई 25% द सैग विल बी। चलिए इस पे देखते हैं एक बार। अब सैग का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई ए टी। सैग की वैल्यू दे दी है 2.5, डब्ल्यू एल की वैल्यू 250 दे दी है, और ए टी ये सब जो है किसी भी चीज़ में मान लीजिए जो है वो दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को 2.5 दिया। तो आपने देखा क्या कि डेल्टा जो है वो कहीं भी मेरा हाइट ऑफ टावर पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। मतलब कि हाइट का टावर अगर इस पे सैग कुछ ये आ रही है तो इसे हम लोग छोटा भी कर देंगे तो सैग तो मेरा उतना ही रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा ना, चाहे हम टावर को छोटा कर दें या बड़ा कर दें। ये जो हाइट है ये मेरा जो सैग बेसिकली क्या होता है, ये कोई ओरिजिनल वायर की ऐसा होना चाहिए लेकिन किसी भी कारण वो थोड़ा सा नीचे झूल जाती है, सैगिंग हो जाती है, ये मेरा होता है सैगिंग।
तो मेरे हाइट के टावर से कुछ लेना देना नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। द कलर ऑफ ए लाइट इमिटेड बाई सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प व्हेन ग्लोइंग स्टेडली इज राइट आंसर इज बी येलो। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क इन द रेंज ऑफ। चलिए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, ये आर्क वेल्डिंग की बात होती है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग बेसिकली होता क्या है कि आर्क वेल्डिंग में आपने ट्रांसफार्मर अगर देखा हो तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट चाहिए होता है। तो जो मेन है मेरा वो सप्लाई जो है, अगर मान लीजिए मेरा आर्क वेल्डिंग का जो मशीन है वो सप्लाई तो मेरा सॉकेट से ये 230 वाले ही लेंगे, 230-220 वाले ही। बट ये जो है ना स्टेप डाउन करता है, स्टेप डाउन करके इसका जो अप्रोक्सली 17 से लेकर 50-55 इस तरह से ये वोल्टेज को रिड्यूस करता है। बट ट्रांसफार्मर का क्वालिटी क्या है, पावर सेम रहना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग से मेरा करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो करंट का वैल्यू जो रहता है वो मेरा बेसिकली बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट, कैसा इंडस्ट्री है, किस तरह की चीज़ बिल्डिंग करनी है, तो उस तरह से ये दोनों प्रोपोर्शनली वेरी करते हैं। करंट की वैल्यू मेरी 20 एम्पीयर से लेके 500 एम्पीयर तक भी कर दी जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क इन द रेंज ऑफ, राइट आंसर इज डी 20-30 वोल्ट्स। ओके, ये डिप्लोमा वालों के अच्छे से पता होगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ। बीटेक वालों थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट उसके सिलेबस का और उसके याद रखने का, हम लोग के लिए मतलब जो बीटेक वाले थे उन्हें ये सब नहीं पढ़ाया गया था, तो इसलिए अच्छे कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ये भी उसी के लिए गया 2011 में, देखिए डिप्लोमा के यहाँ भी बेनिफिट वो हमेशा रहता है। इफ़ टी इज द थिकनेस ऑफ ए शीट, कोई भी शीट है उसकी मान लीजिए थिकनेस जो है वो टी है। द टिप डायमीटर फॉर अ स्पॉट वेल्डिंग यूजुअली, तो टिप की जो ये मान लीजिए वेल्डिंग है इसकी जो टिप होनी चाहिए ना वो सीट की थिकनेस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे टी से ज़्यादा कौन क्वांटिटी है, टी नहीं होगी, रूट टी, टी से कम होगी 1/T, टी से कम हो तो राइट आंसर इज ए 2t। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि जो मेरी स्पॉट वेल्डिंग की जो होती है उसकी जो डायमीटर होती है वो जिस चीज़ की भी हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं उससे उसका डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए। ये थी यहाँ पे कॉन्सेप्ट, पता था नहीं पता था, डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, यही क्वालिफाई कर देते हैं। और बेटा जस्ट क्वालिफाई करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, सबसे पहली बात मेंस आएंगी, तुम मान लो अगर 130-135 अगर कट ऑफ है तो जस्ट क्वालिफाई मेरे को नहीं लगता सेफ में होगा, थोड़ा 10-15 नंबर जो है ज़्यादा रहना पड़ता है, तब जाकर अच्छे से लड़ाई करने में भी मज़ा आता है तुम्हें। ठीक है, अच्छा यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हैज द लोएस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर वाइट लाइट। तो लोएस्ट रिफ्लेक्शन फॉर क्या होगा, वाइट लाइट मतलब कौन है जो मिनिमम रिफ्लेक्ट कर सकती है वाइट लाइट को, तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा डार्क मटेरियल हो वाइट लाइट को, तो वाइट जो भी अप्रॉक्सली वाइट होंगे वो तो रिफ्लेक्ट करेंगे ही, तो उसका जो रिफ्लेक्शन फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा ही। लोएस्ट के लिए क्या होना चाहिए, मेरा जो है वो डार्क होना चाहिए तब जाकर वो कम रिफ्लेक्ट करेंगे, तो राइट आंसर इज सी ब्लू कॉटन, क्योंकि एल्युमिनियम शीट क्या होती है वो भी मेरा ब्राइट होती है। वाइट प्लास्टर, यहाँ तो वाइट बोल ही दिया गया तो वो तो ब्राइट है ही, वाइट ऑयल पेंट वो भी मेरा वाइट है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा ब्लू कर्टन, वो मेरा कुछ ना कुछ जो है लाइट वो मेरा ऑब्जर्व कर लेगी और थोड़ा कम क्वांटिटी में मेरा रिफ्लेक्ट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे 30 में, एन इलेक्ट्रिकल आयरन इज रेटेड एट 230 वोल्ट, 400 वाट, 50 हर्ट्स। ओके, देन द वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट रिफर्स टू, ये जो 230 वोल्ट है वो क्या रिफर्स करती है, तो वो करती है RMS वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी में मतलब इक्विपमेंट में जो क्वांटिटी दी होती है 235 एम्पीयर, तो ये जो सारे मेरे रहते हैं वोल्टेज वाले वो मेरा RMS वैल्यू रहते हैं।
एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, सारे मेरे आरएमएस में होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हाँ अच्छे से पढ़ाई किया करो, ये लास्ट चांस मान कर चलो, चाहे तुम अभी के पास आउट हो या फिर कभी के पास आउट हो। सर्वे में मैंने देखा बहुत लोगों की स्थिति ख़राब है, बहुत ख़राब है, और हाँ लिंक में हमने सर्वे दे दिया है, फिर से आप लोग अच्छे से उसको फिल कर देना, ठीक है। और पढ़ाई किया करो, कोई भी दिक्कत यार मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया करो, एकदम डायरेक्ट, ओके। और हम लोग नेक्स्ट टाइम से चैप्टर बाई चैप्टर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना मेरे को पता है कि बहुत कम व्यू आते हैं, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, जिसे पढ़ना है वो पढ़ेंगे, बहुत लाखों सोर्स है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा जो काम है वो मैं करते रहूँगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करो।